जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु में बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। कुछ लोग 40-40 दिन उपवास करते, उपवास करके ये प्रार्थना करते, यीशु मुझे आपको देखना है, यीशु मुझे आपको देखना है। अगर आप यीशु को देखना चाहते हो ना, तो यीशु को एक बार देख के क्या फायदा, यीशु के तरह बन जाओ, रोज आपको यीशु मसीह आपके अंदर ही दिखाई देने लगेंगे। सवाल इस प्रकार से है, यीशु आपके साथ है? आप सबके साथ यीशु है? यीशु आपके जीवन में है, इस चीजों का क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि आपके जीवन में यीशु है, इसका प्रमाण क्या है? चलो, आपने अगर एक अन्य जाति को कहा कि मेरे साथ यीशु है, तो वो तो पूछेगा ही आपसे ना कि क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण क्या है कि यीशु आपके साथ है। अभी वो लोग पूछने से पहले आप ही क्लियर हो जाओ पहले, कि उनको उत्तर देना आसान हो जाए। ठीक है यहाँ पे धरती पे सब लोग है ना? चलो बताओ फिर, यीशु आपके जीवन में है, इसका क्या प्रमाण है? निकालेंगे लुका की किताब, उसका 19 अध्याय, उसके पहले वचन को पढ़े। हाँ, वहाँ वह येरियो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। पहली बात तो एक बात याद रखना, एक चुंगी लेने वाला, उसका नाम क्या था? जक्कई। आगे पढ़ना उसी वचन को। वह यीशु को देखना चाहता था। अभी उसकी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मुझे यीशु को देखना है, यीशु जैसा बनना है। आपके अंदर इच्छा होती है यीशु को देखने का? हालेलुया। पता है यीशु को बहुतों ने देखा, यीशु को देखने वाले बहुत थे। यीशु को देख के अगर आपका जीवन नहीं बदलता है तो यीशु को देख के कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा बन जाओ, रोज आपके अंदर आपको यीशु दिखाई देने लगेगा, रोज आप यीशु को देख पाओगे। कुछ लोग 40-40 दिन उपवास करते, उपवास करके ये प्रार्थना करते, यीशु मुझे आपको देखना है, यीशु मुझे आपको देखना है। अगर आप यीशु को देखना चाहते हो ना, तो यीशु को एक बार देख के क्या फायदा, यीशु के तरह बन जाओ, रोज आपको यीशु मसीह आपके अंदर ही दिखाई देने लगेंगे। हालेलुया। यीशु की तरह बनना है हमको। कुछ लोगों को इच्छा रहता है एक ही बार देखना है, आपको एक बार देखना है, रोज देखना है, रोज देखना है सबको यीशु को। अगर आपको रोज आपके जिंदगी में आप यीशु को देखना चाहते हो, तो आपको यीशु जैसा बनना होगा। जब आप यीशु जैसा बनोगे, तब ही जाके आपके जीवन में तमाम आशीषें उतर के आएगी। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब हम यीशु को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तब जाके यीशु हमें दिखाई देगा। हालेलुया। अब जो चीज को हम लोग मिस कर रहे थे, आगे पढ़े वचन को, ध्यान दो यहाँ पे। यस, परंतु भीड़ के कारण, परंतु भीड़ के कारण वो यीशु को देख ना सकता था। हाँ, क्योंकि वह नाटा था। हाँ, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अच्छा, बहुत मेहनत करता है यीशु को देखने के लिए, वो बहुत सारी कोशिश करता है और फाइनली वो यीशु को देख लेता है। हाँ, आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यस, आगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जो व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था, यीशु उसकी ओर देख के क्या बोलता है मालूम है? आज मैं तेरे घर में भोजन करने आने वाला हूँ। हालेलुया। सोचो वो कितना खुश हुआ रहेगा।
हुआ रहेगा कि नहीं। हालेलुया। जिसको देखने के लिए वो तरस रहा है, पेड़ पे चल रहा है, दीवारों में चढ़ रहा है, यहाँ वहां देख रहा है, सब जगह कोशिश कर रहा है, यीशु कहाँ से दिखाई दे, यीशु कहाँ से दिखाई दे, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, यीशु उसकी ओर देख के उसको बोलता है, आज मैं तेरे घर पे भोजन करने आने वाला हूँ। हालेलुया। बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन इसके जो आगे हुआ ना वो बहुत जबरदस्त हुआ और मैं वो देख के बहुत आशीषित हुआ। पड़े आगे। हाँ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जब किसी का अच्छा होता है ना तो किसी को देखा नहीं जाता है ना। इतना दिन वो जिंदगी में गलत कामों को कर रहा था, अब प्रभु उसकी जिंदगी को बदलने वाला है, तो कुछ लोगों ने तो प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ा के ये कहने लगे, ये तो पापी व्यक्ति है। महाराज गुरुजी जो यीशु को लोग बोलते थे, प्रॉफिट बोलते थे, जो जो कुछ बोलते थे, लॉर्ड बोलते थे, बोलते थे, इतना बड़ा व्यक्ति एक पापी के घर पे कैसे जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुड़कुड़ाने लगे। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आने का सबसे पहला प्रमाण क्या होगा मालूम है? आप देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके तो विश्वासी मिस ही कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यीशु आपके जीवन में आने का सबसे पहला प्रमाण होता है कि आप देने वाले बन जाते हो। ये चुंगी लेने वाले की आदत थी, हर बार ये लेना ही पसंद करता था, इसको देना पता नहीं था क्या देना होता है, लेकिन जब यीशु इसके जीवन में आया ना तो ये देने लगा। हालेलुया। देने लगा, सारी संपत्ति को इसने क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया। कंगालों को बांट दिया, सब कुछ दे दिया। हम भी जब प्रभु यीशु को जानते हैं ना तो सबसे पहला हम अपना जीवन यीशु को देते हैं, और इसी से प्रमाण होता है कि हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। तो मैं आपको आज एक शॉर्ट मैसेज केवल यही देना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हो कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में है तो आप एक देने वाले व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरा स्टेटमेंट है, धनवान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा धन है ना? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, ये है, वो है, हम बहुत धनवान है। परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति धनवान नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है। परमेश्वर के नजर में धनवान वो है जो देना जानता है। हालेलुया। तो क्या आप देने वाले विश्वासी हैं? कैसे फटे हुए नोट? ऐसे टुकड़े नोट अगर आप परमेश्वर के भवन में दोगे तो टुकड़े आशीष ही आपको मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो अपने जीवन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु का भवन बनना चाहिए, क्यों सब चीजें बेस्ट होना चाहिए? क्योंकि मैं ये बात पे बिलीव करता हूं, जब हम बेस्ट चीजें परमेश्वर के राज्य में करते हैं ना तो हमारे जीवन में बेस्ट आशीषें उतर के आती।